बच्चा लोग इधर है। अभी अभी जब बुलाएंगे तो सेंटर आना, हम लोग कुछ बना रहे खाने के लिए, ठीक है? हल्ला करने आएंगे अभी हम लोग। ऐसे ही बच्चे बर्तन बर्तन लेने लेके आ जाएंगे जैसे देते हैं हम लोग, ठीक है? खेलो अभी। चल रहा है भैया, अभी सेंटर में बन रहा है, पता ना क्या बन रहा है सेंटर में, सब बच्चों के लिए बन रहा है, तो बुलाएंगे तब आना, ठीक? तो वादे के मुताबिक आज टीचर्स डे के दिन हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जैसा कि हम लोग ने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि हम बच्चों का मनपसंद जो भी उनको खाना होगा वो खाएंगे। तो आज हम लोग पाव भाजी बनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि पाव भाजी हमें बहुत पसंद है और हमारी टीम को बहुत पसंद है। क्या हो बाबा, क्या बता रहे हो? कभी बन जाए बाबा, बन रहा है थोड़ा सा। तो साथ में रोहित है हमारे, क्या कहना है? बिल्कुल, अब हम लोग पकाने वाले हैं पाव भाजी और फिर पकाने के बाद मिलते हैं बच्चों। ये तो हमने कह दिया, तुम्हें क्या कहना है? हमको भी ये कहना है कि हम लोग आ चुके हैं, हम यहाँ पर पकाने वाले हैं, बस तैयारी चल रही है जैसा आप देख सकते हैं। नशरा, तुम्हारा कोई तर्क? हम लोग तैयार हैं, दो चार बच्चे भी हैं जो स्पेशलिस्ट हो गए प्याज काटने में, सब्जी काटने में। और ये दीपू है हमारे साथ, आपका कोई तर्क? तो बच्चों के लिए करने जा रहे हैं। अच्छा, बच्चों का कोई तर्क? कुछ कोई कुछ कहना चाहता है? सभी लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं? हैप्पी टीचर्स डे पे कुछ कहना चाहती है लड़की? कोई कुछ बोलेगा? एक नमक का पैकेट भी रहा हूँ। हाँ, एक नमक का पैकेट भी रहा होगा ये कहा जा रहा है। बाबा जी खाए होगा है? क्यों रखता है? बाबा जी खाई होगा अभी? नहीं खाई हो? तुम खाई हो? बाबा जी खाई होगा अभी? तुम खाई हो बाबा जी? नहीं तो नहीं तो तुम बटर बटर कौन कौन किसको किसको अच्छा लगता है? बटर आप उठाओ तो, किसको किसको अच्छा लगता है? चलो अच्छा सारा बटर डालेंगे आज। आराम से जोर दिखाने लगे। आज हम लोग पेड़ की छांव के नीचे अपना किचन सेट। बात तो सही है यार, पेड़ तो बहुत लाजवाब है। क्या बात है, पेड़ की छांव के नीचे अपना आज इनोवेटिव किचन लगाया हुआ है और बच्चे वेट कर रहे थे सब वैसे। पेड़ की छाया में, पेड़ की छाया में सब चल रहा है।
क्या खाने जा रही हो? पाव भाजी। पाव भाजी। चलो थैंक यू बोलते हैं। पाव भाजी खाया कभी? बेटा एक ही लेना हो। कभी खाया? नहीं। चलो। आ बेटा। जाओ पेट भर के खाओ। पेट भर के नहीं स्वाद लेके खाओ। टेस्टी तो बना है। दो खा लोगे? कभी खाया पहले? नहीं। ले लो। अरे वाह। तो टीचर्स डे कुछ इस तरह से सेलिब्रेट हो गया जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था। अपने बच्चों को हम लोग पाव भाजी खिलाएंगे बिकॉज़ उन्होंने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया था। तो आज वो सरप्राइज़ कामयाब हो गया और बहुत ही अच्छा। ये तो पाव भाजी वाली प्लेट भी लाई है लड़की है। अरे वाह। तो आज हम लोगों ने अपना इनोवेटिव किचन यहाँ पे ही लेके आ गए हैं शहादतगंज में ही। वैसे तो रोज़ भवानीगंज से ही खाना बन के जाता था लेकिन आज शहादतगंज से ही बन के जा रहा है बिकॉज आज बहुत अच्छा मौसम भी है और नीम के पेड़ के नीचे खाना बनाना एक अलग एक्सपीरियंस है। तो बच्चे यहाँ के बच्चे थोड़ा सा ठंडा रोज खाते थे, यहाँ के बच्चे आज गर्म खा रहे हैं, बाकी सेंटर के बच्चे थोड़ा सा ठंडा खाएंगे। तो तुमको ये तलते हुए या बनाते हुए सेकते हुए कैसा अनुभव है तुम्हारा? बहुत बढ़िया, मजा आ रही है। सबसे अच्छी बात तो ये कि पेड़ के नीचे हम लोग आज कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि बच्चों से जब कल पूछा गया पूड़ी खाओगे कि पाव भाजी खाओगे तो कुछ बच्चों ने तो शायद नाम सुना था लेकिन कभी खाया नहीं था और आज वो बच्चों को खाने को मिला और पाव भाजी उन्होंने बहुत पसंद करी। क्यों, कैसी बनी है? बहुत अच्छी है, बहुत मस्त है। तो बहुत अच्छा है। तो बहुत ही अच्छा है। तो बहुत ही यम्मी है।